चलो बेटा, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, आजिए फटाफट जल्दी से सभी बच्चे। चलिए जी, हरिओम बाबू आ चुके हैं, डिंपल हो गई है, मनीषा आ गई। आ जाओ बेटे, जल्दी से फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो बेटे, आज हम देखते हैं कि आपका जो प्रिपरेशन आज इम्प्रूवमेंट देखते हैं कि आप लोगों ने कितना प्रिपरेशन किया। चलो, जो भी लाइव आ चुका है एक बार नाम मैसेज करिएगा, जो भी लाइव आ चुके हैं एक बार नाम मैसेज करिए। स्टार्ट करते हैं बेटे आज के इस क्लास को। हाँ बेटे, तो आज हमारा क्लास नंबर 4 है और क्लास नंबर 4 में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने पिछले क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 45 तक। पिछले क्लास में अपर्णा पूछ रहे हैं जी, एमपी का एग्जाम किसने किसने दिया? बताओ भैया, एमपी का एग्जाम किसी ने दिया? अपर्णा पूछ रही है भाई, एमपी का एग्जाम किसने किसने दिया? चलो बेटा, तो बिना टाइम वेस्ट हुए स्टार्ट कर देते हैं क्लास, क्योंकि आज कराना है ज़्यादा क्वेश्चन, तो स्टार्ट कर देते हैं क्लास, फटाफट स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ, एक नंबर, ये क्या कर दिया, ये सब तो करा चुके। यहां से क्वेश्चन है बेटा, देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है हमारा, अ वेव ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन वाई इज इक्वल टू। देखो, वेव ट्रेवलिंग इन स्ट्रेच स्ट्रिंग डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन वाई इज इक्वल टू। वाई इज इक्वल टू क्या है मेरे बच्चे, डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो आपको बताना क्या बेटा, इसके अंदर द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज, इसके अंदर आपको बताना है कि जो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कितना होगा, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कितना होगा। शायद यह पिछले क्लास में भी इस कॉन्सेप्ट को हमने बताया था बेटे, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। ये मैंने आपको पिछले क्लास में भी पढ़ाया था, पार्टिकल वेलोसिटी बेटे वी पी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा बेटे, डी वाई बाई डी टी होगा। वेलोसिटी क्या होता है, डी वाई बाई डी टी होता है, और डी वाई बाई डी टी क्या होगा बच्चे, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी
माइनस के एक्स होगा, माइनस के एक्स होगा बेटा। तो जो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होगा, आप सभी समझो बेटा, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कब होगा? जब ओमेगा टी माइनस के एक्स जीरो के इक्वल होगा। इन दिस केस मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी किसके इक्वल आएगा? मैक्सिमम मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी किसके इक्वल आएगा? जो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी किसके इक्वल आएगा? ये हम लोग को जानना है। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी यहां पे किसके इक्वल आएगा बेटे? वीपी इक्वल टू, जो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है वीपी इक्वल टू ए ओमेगा आएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा बेटे? ए ओमेगा हो जाएगा, मतलब इसको वन होना पड़ेगा, तो ए ओमेगा हो जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी। राइट आंसर क्या बनेगा? ए ओमेगा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 40, बार बार घड़ी क्यों खुल रहा है भाई? 47, 47 क्या है बेटे क्वेश्चन, एक बार ध्यान से समझना। 47 क्वेश्चन क्या है? टू वेव्स आर ट्रेवलिंग थ्रू अ डिस्पर्सिव मीडियम विथ फेज वेलोसिटी वी। टू वेव्स आर ट्रेवलिंग थ्रू अ डिस्पर्सिव मीडियम विथ फेज वेलोसिटी वी। फेज वेलोसिटी वी है एंड ग्रुप वेलोसिटी यू है। विथ फेज वेलोसिटी वी है एंड ग्रुप वेलोसिटी यू है, रिलेशन बिटवीन यू एंड वी क्या होगा? बताओ बेटा, बताइएगा, फेज वेलोसिटी बड़ा होगा या ग्रुप वेलोसिटी बड़ा होगा? जल्दी से बताओ बेटे, फटाफट आंसर दो। विच वन इज ग्रेटर, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी? बताइएगा बेटा, आपने दोनों ही पढ़ा हुआ है बच्चे, आपने ग्रुप वेलोसिटी भी पढ़ा हुआ है और आपने फेज वेलोसिटी भी पढ़ा हुआ है। आपने ग्रुप वेलोसिटी भी पढ़ा हुआ है और फेज वेलोसिटी भी पढ़ा हुआ है, क्या होगा करेक्ट आंसर? बेटे क्वेश्चन नंबर डालिए, हमें पता ही नहीं लग रहा किस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे रहे हो। मनीषा, शुभम, रूबी, ये किस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो? एक बार आप क्वेश्चन नंबर डालो जिससे कि पता लगे कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। देखिए बेटे, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमेशा याद रखना, ये दोनों आप पढ़ चुके हैं और कई बार हमने क्वेश्चन रिपीट भी कर रखा है बेटे, हमने रिपीट कर, देखो हमेशा याद रखना कि जो फेज वेलोसिटी है, फेज वेलोसिटी हमेशा आगे रहेगा किससे? ग्रुप वेलोसिटी से। ये दिमाग में फिट कर लो, ये दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो बेटे, कि हमेशा आपका जो फेज वेलोसिटी होता है वो हमेशा आगे रहेगा किससे? ग्रुप वेलोसिटी से। तो राइट आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन में? U इज लेस देन V। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C, इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा C होगा करेक्ट आंसर। आइएगा 48 पे आते हैं। ये तो बेटे कई बार क्वेश्चन हमने करा दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, कौन सा रिलेशन करेक्ट है बेटा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? 48 में बताइएगा कौन सा रिलेशन इसके अंदर करेक्ट है, फटाफट बताओ बेटे।
देखिए, आप सभी जानते हैं, आप लोग तो रुक ही गए, कोई आंसर ही नहीं दे रहे। फटाफट बताइए बेटा, क्या राइट आंसर होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? कौन सा रिलेशन करेक्ट है? क्या होगा आप सभी को? फेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा? फेज वेलोसिटी क्या होता है? फेज वेलोसिटी का रिलेशन क्या है? जो फेज वेलोसिटी है, हमेशा याद रखना बेटे, फेज वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा? जो फेज वेलोसिटी होगा कौन सा रिलेशन करेक्ट है? फेज वेलोसिटी क्या होगा बेटे? ओमेगा बाई के होता है। एक उल्टा लिख दिया क्या इसने? इसमें टाइपिंग मिस्टेक कर दिया क्या? ओहो, के बाई ओमेगा, दोनों में के बाई ओमेगा लिख दिया ये बेटे। बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन गलत लिख दिया इसने, सेम लिख दिया ओमेगा बाई के है, ये ओमेगा बाई के है। तो ध्यान रखिएगा बेटे, फेज वेलोसिटी जो आएगा, फेज वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? ओमेगा बाई के इक्वल होता है। एंड फॉर योर नॉलेज मैं ये भी बता दूं कि जो ग्रुप वेलोसिटी होता है, ये बेटे डी ओमेगा बाई डी के ग्रुप वेलोसिटी होता है। अब देखिए यहाँ पे ये डी के बाई डी ओमेगा लिख दिया, तो ये हो नहीं सकता। तो फेज वेलोसिटी किसके इक्वल आएगा? फेज वेलोसिटी हमारा क्या आएगा? ओमेगा बाई के इक्वल आएगा फेज वेलोसिटी। कोई मैसेज नहीं आ रहा आप लोगों की तरफ से, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्या चक्कर है? साउंड क्लियर है बेटे? साउंड उन्ड आ रही है आप लोगों को? ये आप लोगों के मैसेज क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक है, क्लियर हो गया बेटे। तो दिस रिलेशन इज ओमेगा बी के इज द करेक्ट ऑप्शन, और इसका राइट आंसर जो बनेगा बेटे बी बनेगा। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, एक बार ध्यान से देखना। अब पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर, अब पी जो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर प्रोड्यूस, अब पी जो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 66,000 हर्ट्ज। अब पी जो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 66,000 हर्ट्ज इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड, द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज, इसमें क्या होगा बेटे? देन वेवलेंथ ऑफ द वेव कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है वेवलेंथ ऑफ द वेव। फटाफट बताओ बेटे, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, बचपन से पढ़ते आ रहे हो बेटे। इसका सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करना है, तो पहले मीटर में निकाल लो। आप सभी जानते हो बेटे वी इक्वल टू क्या होगा? वी इक्वल टू, ये हो क्या रहा है? बच्चों के मैसेज क्यों नहीं आ रहे भाई? मैसेज में क्या प्रॉब्लम है? क्या हो रहा है भाई, मैसेज क्यों नहीं आ रहा आप लोगों को? ये हो क्या गया इसमें?
क्या प्रॉब्लम हो गई? एक बार आप सभी मैसेज करो, मैसेज क्यों नहीं दिख रहा मैं? अरे कुछ भी मैसेज करो। हैं? देखो तो क्या हो गया। अरे चलो ठीक है, ऊपर कर दो फिर। ऊपर से मेरे को लगता है कि नीचे दिख नहीं रहा। आ रहे हैं, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो जी स्टार्ट करते हैं। आ रहे हैं, ठीक है बेटा। मुझे लगा क्या हो गया चैनल को। चलो बेटा देखिएगा, बेसिकली अब देखो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे। अब फॉर्मूला क्या है बेटा, वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा है। तो हमसे क्या पूछा गया, वेवलेंथ। चलिए बेटा ठीक है, अब जो है लिखिएगा वी इक्वल टू न्यू लैम्डा है। तो बेटा लैम्डा वेवलेंथ, लैम्डा क्या होगा, वी हमारे पास कितना है, 330 है, डिवाइडेड बाय इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 66,000 है। ये मीटर में है बेटा, इसको सेंटीमीटर में बदल दो। सेंटीमीटर में बदलो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट राइट आंसर। तो राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का बनेगा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो बनेगा बच्चे, दिस विल 0.5 सेंटीमीटर। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 0.5 सेंटीमीटर। एंड दिस विल करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर जरूर लिखो, आनंद मंडल रूबी, एक बार क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए आप। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 50 पे आते हैं। देखिएगा ईच ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड इन, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखना। ईच ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड इन लिस्ट फर्स्ट प्राइमरली डिपेंड्स ऑन वन ऑफ द क्वांटिटीज इन लिस्ट सेकेंड। देखो ये हमारा लिस्ट फर्स्ट है और ये हमारा क्या है, ये हमारा लिस्ट फर्स्ट है और दूसरा क्या है हमारे पास, लिस्ट सेकेंड है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर मैचिंग लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एज पर कोड गिवेन बिलो। अब देखो बेटे आपको ये मैचिंग करना है, मैचिंग क्वेश्चन करने हैं। जैसे लाउडनेस है, लाउडनेस किससे जुड़ा हुआ है आप लोग बताइए बेटे, लाउडनेस किससे जुड़ा हुआ है, लाउडनेस आपका जुड़ा हुआ है किससे, फटाफट सॉल्व करना। लाउडनेस किससे जुड़ा हुआ है, स्पीड बढ़ाइए, मैच करके दिखाइए क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन भी अब आजकल पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो देखना बेटा लाउडनेस जो जुड़ा हुआ है आपका, लाउडनेस जो जुड़ा हुआ है वह किससे जुड़ा हुआ है, इंटेंसिटी से। और दूसरा बेटे पिच जो जुड़ा हुआ है किससे, पिच जो जुड़ा हुआ है फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ है। और जो क्वालिटी है किससे जुड़ा हुआ है, वेव फॉर्म से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर क्या आएगा, ए का क्या होगा 3, बी का क्या होगा बेटे 2 और सी का 1।
सी का वन मतलब राइट आंसर क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, देखो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 50 इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक बार समझना बेटे, 51 जरा 51 क्वेश्चन क्या है बेटा, एक बार समझिएगा। 51 क्वेश्चन है, विस्पर कॉरेस्पॉन्ड्स टू साउंड इंटेंसिटी 10 raised to -12 एंड इज टेकन 0 decibel. देखो साउंड की इंटेंसिटी बेटा 10 raised to -12 है, तो इसको हम 0 decibel लेते हैं। एंड ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन कॉरस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी 10 raised to -18, तो आपको बताना है इन डेसिबल यूनिट दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा बेटे, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलो फटाफट बताओ बेटे, 40 सेकेंड का टाइम आपके पास है, आपके पास है टाइम 40 सेकेंड का। साइंड इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी कितना है, 10 raised to -12 है, और 0 decibel हमने लिया, और साउंड इंटेंसिटी बेटे 10 raised to अगर 18 होगा, सॉरी 10 raised to 18 नहीं है मेरे बच्चे, 10 raised to यहाँ पे जो 10 raised to आपका ये -18 नहीं, 10 raised to -8 है, ये 10 raised to -8 है, 10 raised to -8 है बेटे। तो जरा जल्दी से स्पीडली फाइंड आउट करो क्या होगा। देखो आप सभी जानते हो कि जो फार्मूला क्या होता है बेटे, फार्मूला इसका फार्मूला आपने पढ़ रखा है, इसका फार्मूला पढ़ रखा है बीटा इक्वल टू। देखो यहाँ पे 0 decibel है, ऑर्डिनरी कन्वर्सेशंस में बीटा की वैल्यू 10 raised to, तो यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है 0 decibel है, इस सिचुएशन में जो बीटा इक्वेशंस क्या बनेगा हमारे पास, इक्वेशन क्या बनेगा बेटे, 10 log base 10 10 raised to -8 बनेगा ये। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ज़रा देखना, यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये जो इंटेंसिटी आएगा आपका 10 log 10 by 10 raised to -8 हो जाएगा, 10 by 10 raised to -8 हो जाएगा। तो बेटा अभी क्लियर हो जाएगा, देखो ये डेसिबल का फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है इन डेसिबल यूनिट, हमारे पास जो फार्मूला है ये ध्यान दीजिएगा, कॉरस्पॉन्ड इंटेंसिटी वेबर दिया हुआ है 0 to decibel है, ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन कॉरस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी इन डेसिबल यूनिट विल बी, तो बीटा जो होगा 10 log 10 by 10 raised to -8 होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका बेस 10 होता है बेटा, तो ये हो गया 10 log, इसको आप कितना लिख सकते हैं 10 base 10, और 10 raised to कितना हो जाएगा, ये 1 by 10 raised to -8 है, तो 10 raised to 8 हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, देन इट विल कम्स टू 80, ये 80 decibel आएगा बेटे, डी डी करेक्ट आंसर आएगा, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा,
इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा, ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन जो है कोरस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी जो होता है उसका ये फॉर्मूला होता है। तो राइट आंसर जो बनेगा बेटे 51 का डी बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार ध्यान से इस फॉर्मूले को देख लीजिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 52 है। इन अ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर द इन अ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर द फर्स्ट थ्रो इज 20 सेंटीमीटर एंड आफ्टर 10 कंप्लीट ऑसिलेशंस इट इज रिड्यूस्ड टू 2 सेंटीमीटर। देखना बेटे बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, फर्स्ट थ्रो 20 सेंटीमीटर है एंड आफ्टर 10 कंप्लीट ऑसिलेशन इट इज रिड्यूस्ड टू 2 सेंटीमीटर। इफ द टाइम पीरियड इज 2.303 सेकेंड, जो टाइम पीरियड है वो क्या है 2.303 सेकेंड, द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट लैम्डा विल बी इक्वल टू। तो जो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट लैम्डा है वो किसके इक्वल आएगा ये आपको बताना है। चलो बेटा जल्दी से एक बार दिमाग लगाइए, फटाफट एक बार सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, क्या होगा राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या होगा राइट आंसर जल्दी बताइएगा, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 देखो बेटा, 52 क्वेश्चन क्या है, लैम्डा लैम्डा जो हमें दिया हुआ है किसके इक्वल होता है बेटा लैम्डा, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। लैम्डा वेवलेंथ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होगा, एक बार इस फॉर्मूले को याद रखना बेटे। जो वेवलेंथ लैम्डा है ये है हमारे पास 1/n लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 इसको आप लिख सकते हैं एक्स टी बाई एक्स टी प्लस टी हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। यह फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस फॉर्मूले को याद रखिए। जो वेवलेंथ है 1/n लॉग बेस 10 एक्स टी बाई एक्स टी प्लस एन टी होगा, सॉरी एक्स टी प्लस एन टी, ये थोड़ा सा साथ में लिखा गया, इसको आप ऐसे लिखो एक्स टी अपॉन एक्स टी प्लस एन टी होगा, यह फॉर्मूला होता है। अब जरा ध्यान से देखो बेटे, हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, इन बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर द फर्स्ट थ्रो इज 20 सेंटीमीटर एंड आफ्टर 10 कंप्लीट ऑसिलेशन इट इज रिड्यूस टू 2 सेंटीमीटर। अब देख मेरे बच्चे आपके पास एन कितना है, इफ द टाइम पीरियड इज 2.303 सेकेंड देन लॉगरिथमिक डिटरमिनेंट लैम्डा विल बी इक्वल टू, लैम्डा क्या होगा, जो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट लैम्डा किसके इक्वल होगा। अब इसमें वैल्यू डालोगे 1/n की वैल्यू कितनी है बेटे, यहाँ पे देखिएगा 10 कंप्लीट ऑसिलेशन है, 1/10 हो गया, लॉग बेस 10 हो गया, और एक्स टी क्या है हमारे पास टी प्लस एन टी, इसमें वैल्यू जो आपको दिया हुआ है इसके अंदर वैल्यू पुट करो यू विल गेट राइट आंसर। क्या आएगा राइट आंसर बेटे जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, एक्स टी क्या है हमारे पास, एक्स टी हमारे पास 20 है और एक्स टी प्लस एन टी क्या है 2 है, यहां दिया हुआ बेटे 20 सेंटीमीटर है तो 20 बाई डिक्रीज क्या होगा रिड्यूस टू 2 हो गया, 2 हो गया तो ये 1/10, 1/10 लॉग बेस 10 रेज टू 10, आप देखो बेटे लॉग बेस 10 रेज टू 10 है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, बेस 10 रेज टू 10 की वैल्यू 1 हो गई एंड दिस विल इक्वल टू 0.1।
पॉइंट वन हो गया, तो पॉइंट वन कौन सा राइट आंसर होगा बेटे? बी इज द करेक्ट आंसर। पॉइंट वन में आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा बी इज द करेक्ट आंसर। पॉइंट वन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है बच्चे एक बार ध्यान से देखिएगा। टू साउंड वेव हैविंग फेज डिफरेंस टू 60 डिग्री, देन पाथ डिफरेंस क्या होगा? देखो बेटे पाथ डिफरेंस क्या होता है? लैम्डा बाई टू पाई। जो पाथ डिफरेंस है, जो हमारा पाथ डिफरेंस है, ये लैम्डा बाई टू पाई इनटू क्या होगा? फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू पाई इनटू फेज डिफरेंस है। अब जरा देखो मेरे बच्चे, टू वेव्स हैविंग फेज डिफरेंस 60 डिग्री दिया हुआ है, तो फेज डिफरेंस 60 डिग्री दिया हुआ है, देन पाथ डिफरेंस क्या होगा? अब देखो बेटे यहाँ पे लैम्डा बाई टू पाई, यहाँ पे लैम्डा बाई टू पाई इंटू 60 डिग्री कितना होगा बेटे? पाई बाई थ्री हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये लैम्डा बाई सिक्स आ गया। ये आंसर कितना आ गया? लैम्डा बाई सिक्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटे? जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आएगा लैम्डा बाई सिक्स आएगा। और लैम्डा बाई सिक्स क्या होगा बेटे? सी द करेक्ट आंसर, ये लैम्डा बाई सिक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्वेश्चन क्या है एक बार देखना मेरे बच्चे। द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू फॉलोइंग वेव्स। ओके जी देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू फॉलोइंग वेव्स। बेटे एक वेव्स का इक्वेशन क्या है हमारे पास? ए वन साइन ओमेगा टी माइनस टू पाई एक्स बाई लैम्डा। दूसरा वेव का इक्वेशन क्या है? वाई टू इज इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी माइनस टू पाई एक्स बाई लैम्डा प्लस फाइव। आपसे पूछा गया इनके बीच का पार्ट डिफरेंस क्या होगा? जल्दी से बताओ बेटे पार्ट डिफरेंस इनके बीच में कितनी होगी? फटाफट बताइएगा बेटे पार्ट डिफरेंस इनके बीच में कितनी होगी, जल्दी से बताओ। क्या होगा करेक्ट आंसर? अब इसमें भी गलती करोगे बेटे, इसमें भी गलती करेंगे आप। सीधा फार्मूला दिख रहा है, सीधा फार्मूला दिख रहा है बेटे। अभी हमने पढ़ाया लैम्डा बाई टू पाई इंटू फेज डिफरेंस, तो राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 55 पे। देखिए 55 क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, ध्यान देना। द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट सेपरेटेड बाई 8 मीटर इन अ वेव फ्रंट, सॉरी क्वेश्चन क्या बेटे 55। द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स सेपरेटेड, ये सेपरेटेड है बेटा, टाइपिंग मिस्टेक है, सेपरेटेड बाई 0.8 मीटर इन अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज। फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स सेपरेटेड 0.8 मीटर इन अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 120 हर्ज इज 0.5 पाई। ये किसके इक्वल है? 0.5 पाई के इक्वल है। द वेलोसिटी ऑफ वेव विल बी इक्वल टू, तो वेव की वेलोसिटी कितनी होगी भाई जल्दी से बताइएगा? वेव की वेलोसिटी कितनी होगी जल्दी बताओ, फटाफट बताइए बेटे वेव की वेलोसिटी कितनी होगी?
क्वेश्चन नंबर 55। अरे भाई वे लैम यहां पे वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगा, वी इक्वल टू क्या होगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगा, न्यू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू निकाल दो, लैम्डा की वैल्यू निकालो बेटा। यहां पे दिया हुआ है आपका द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, 0.8 भी दिया हुआ है और वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, 0.5 है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगा, वी इक्वल टू एन लैम्डा निकालिए बेटे न्यू लैम्डा से, यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लैम्डा, लैम्डा क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू क्या होगी पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस जो दिया हुआ है लैम्डा बाई टू पाई, लैम्डा बाई टू पाई इंटू फेज डिफरेंस है, तो यहाँ से आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए फेज डिफरेंस से, यू विल गेट राइट आंसर। क्लियर हो गया हम, तो राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का बनेगा इसको कैलकुलेट कर लो बेटा, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चे 384 मीटर पर सेकेंड, 384 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। चलो तो अभी हम 55 पे पहुंच गए और आप लोग का जो प्रिपरेशन है ये अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि अभी भी आपने जो वेव्स टॉपिक है उसको रिवाइज आपने नहीं किया अभी तक। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं, मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, क्लियर सी बात है कि आपने रिवीजन ढंग से नहीं किया, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग एक बार रिवाइज करके रखें इसको, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वेव्स में ही और डिफरेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर लीजिए जिससे कि इन फ्यूचर आपका स्कोर ज़्यादा हो जाए। देखो बेटा सिंपल सी बात है, समझिएगा, एक टीचर का तभी मोटिवेशन मिलता है एक टीचर को आगे कंटिन्यू करने में, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कराने में, जब बच्चे सही रिस्पॉन्स करते हैं। देखिए आपका रिस्पॉन्स क्लियरली बता रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है, या तो टाइम नहीं है कि आप रिवाइज कर पाएँ चीज़ों को, या फिर आप जानबूझ के गलती कर रहे हैं क्योंकि आप पढ़ते नहीं, और पढ़ेंगे नहीं तो क्वेश्चन ठीक होगा नहीं। तो इसलिए अगर आप पीजीटी आपको इस साल बनना है, चाहते हैं कि आपको जॉब लग जाए, तो एक बार बेटा जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए जिससे कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे साथ सही हो पाए, और जो थोड़ी बहुत कमी रहेगी वो तो मैं सॉर्ट आउट करूँगा ही करूँगा, वो आपको मैं सिखाऊँगा ही। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग प्रिपेयर करके रखिएगा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।